हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, आज हम यहाँ पर बिल्कुल जानने वाले हैं ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वे। जी हाँ, अभी जनवरी का आधा महीना जो बीत चुका है और आप में से अधिकतर बच्चे बिल्कुल इंतजार में बैठे हैं कि भाई आपके स्कूल के अंदर कब आपके प्रैक्टिकल्स की डेट है जो आपकी आ जाएगी। और मे भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डेट्स दे दी गई है। ओके, 10 तारीख से पहले तक तो आपके प्रैक्टिकल्स में भी हो सकता नहीं हुए क्योंकि पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, ऐसी कुछ दिक्कत आ रही थी। तो ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 10 के बाद ही हैं जुड़ेंगे। ओके, तो इस बीच 4-5 अपनी छुट्टियां हो गई थी एंड अब यहाँ से मेरे ख्याल से है जो प्रैक्टिकल्स की एकदम धड़ाधड़ डेट्स हैं जो आपके स्कूल में आ गए होंगे एंड एक के बाद एक सब्जेक्ट आपका है जो होगा। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। जैसे आज अगर आपका मान लो अकाउंट्स का प्रैक्टिकल है तो हो सकता है अगले दिन आपका बीएसटी का हो या आपका उसके अगले दिन आईटी का हो या कंप्यूटर का हो, है ना। तो ऐसे आपके पास में आपको टाइम ही नहीं है। अभी तो आप कह लो कि भाई आपको अपने प्रोजेक्ट्स, आपकी फाइल्स, सब कुछ एकदम मतलब झक्कास करिए आपको है जो जो है बना करके तैयार रखनी है। आपके इवन प्रोजेक्ट भी, ना केवल फाइल, है ना। तो हम यहाँ पर बैठे हैं ये इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस की जो प्रैक्टिकल डे है वो किस तरीके का है जो होगा, है ना। हर साल मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं जो इन दिनों में आते हैं, तो आज भी और अभी भी हम लोग इसी के बारे में डिस्कस है जो करेंगे कि भाई वाइवा के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो होती हैं उस प्रैक्टिकल डे वाले दिन। ओके, सो ऑल अबाउट, सबसे पहले तो ना हम एक चीज़ जान लेते हैं, वो है कि हमारे थ्योरी के और प्रैक्टिकल के नंबर कितने हैं। तो ये जब हमें पता होना कि भाई तीर जो है उस निशाने पर लगाना है, मतलब मंजिल जब हमें पता होना तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं ना। इसलिए मेरे को एक मिस्टर बीन का एक एपिसोड है जो याद आया है। मे भी हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ना, जैसे है ना बंदा जो है बिल्कुल एकदम छत टेरेस पर होता है और नीचे जैसे जैसे उतरता जाता है और गाड़ी आती है कभी कैसे, मतलब उसके सामने रास्ते है जो बनते जाते हैं ना। मे भी बहुत सारे लोग इसको रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने वो एपिसोड नहीं देखा हो, बट इसकी इतनी बड़ी फेमस है मिस्टर बीन वाली, है ना। ओके, तो ख़त्म होती हुई बात ये है कि भाई आप अगर दिल से उस चीज़ को करना चाहते हो, जिसको भी आप करना चाहते हो, तो रास्तों की टेंशन मत लो, अपने आप रास्ते हैं जो बनते जाएंगे अगर आपका जो मेन आपकी जो नज़र है ना आपके एम के ऊपर होंगी तो। अच्छा, अब हमारा जो एम है वो यहाँ पर है जो 30 नंबर का। 70 नंबर की बात हम 2 अप्रैल को कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 70 नंबर की बात करते हैं ना, अगर आपकी तैयारी इसको लेकर के है तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसी के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। मतलब अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल की तैयारी है क्योंकि वही चीज़ें तो हैं। कि ऐसा तो नहीं कि अलग से प्रैक्टिकल के अंदर चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हैं जो 70 नंबर वाले पेपर यानी कि थ्योरी के अंदर आनी है। तो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल को किस तरीके से डिवाइड किया गया है और कैसे आपको मार्क्स है जो ओवरऑल मिलेंगे इसके अंदर, देखिए इस तरफ मैंने 12th आईटी लिखा हुआ है और इस तरफ 12th कंप्यूटर साइंस लिखा है। ये वो स्क्रीनशॉट है जो CBSE ने आपके सिलेबस के अंदर मैंशन करके रखा हुआ। ओके, अगर देखिए अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आपके जो पेपर है ना उस दिन क्या क्या चीज़ें होंगी, इस पेज पर हम बाद में आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस दिन प्रैक्टिकल डे वाले दिन आपकी प्रैक्टिकल फाइल और आपका प्रोजेक्ट, ये दो चीज़ें आपके हाथ में होंगी जब आप वाइवा देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उस प्रैक्टिकल फाइल पर आपके जो सब्जेक्ट टीचर है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल और मे बी जो मोर वगैरह लगती है ना, है ना, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब साइन होनी चाहिए प्रॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर, आपकी फाइल के ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये दोनों चीज़ों के साथ आप पेश होंगे और आपकी पेशी होगी कह लो कि भाई एग्जामिनर के सामने, एक्सटर्नल के सामने। ओके, तो अब जैसे ही आप उनके सामने बैठेंगे, देखिए क्या है कि भाई बंदे को पता है कि 5 मिनट में आपको इतना सारा जज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस पूरे साल कैसी रही है वो ज़रूर ज़रा ज़रा सी पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे और बेसिक से क्वेश्चन से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि इस प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट के अंदर और पूरे साल तुमने क्या क्या चीज़ें मुझे की, ठीक है। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते पूरा साल लेकिन नर्वस हो जाते हैं, है ना, ये भी सही सामने वाले को मुझे पता चल जाती है, ठीक है। तो घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भाई आपके ऊपर कुछ बड़ा ही बॉम्ब फेंका जाएगा, है ना। ये पता होता है सामने वाले को भी
कि भाई बच्चा डरा हुआ हो सकता है, तो वो आपसे उसी तरीके के क्वेश्चन पूछते पूछते हैं जो आपको आगे लेकर के प्रोसीड करता है मतलब। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट सुपर कूल और आपका वाइवा। अब देखो, इस दौरान जब आपका वाइवा हो रहा होगा तो आप अपनी लैब में बैठ करके आपके टीचर के द्वारा आपको पेपर दिया जाएगा, या आपको एक्सटर्नल जो आएंगे मे बी वो भी हो सकता है दे सके, अगर अलग अलग सिचुएशन होंगी ठीक है, तो आपको पेपर दिया जाएगा और आप उसको परफॉर्म कर रहे होंगे और बकायदा उस पेपर को आप मतलब जो आपने परफॉर्म की है चीज़ें उसको आप लिख भी रहे होंगे आंसर शीट के ऊपर ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं जो इसमें मेन है ठीक है। अब देखो, इन चारों चीज़ों को डिवाइड किया गया है अलग अलग मार्क्स के अंदर ठीक है। अगर हम आईपी की बात करें तो जो आपकी लैब में मैंने कहा ना आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा, वो डमी पेपर भी मैं आपको दिखा दूंगी, तो उसमें 8 नंबर का आपका पेंडास का और मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन होगा, 7 नंबर की क्वेरीज होंगी। ये वो पेपर होगा जिसको आप कंप्यूटर पर परफॉर्म कर रहे होंगे और उसके बाद में आप उसको लिख रहे होंगे आंसर शीट में 1 2 3 क्वेश्चन करके। वही सेम चीज़ लैब टेस्ट आपका किसके साथ में है, कंप्यूटर साइंस के साथ में। 4 नंबर की क्वेरीज होंगी जिसमें आपको कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स भी है जो दिए जाएंगे, आपके पाइथन के प्रोग्राम्स भी हैं जो 8 नंबर के होंगे। ये वो पेपर की बात हो रही है जिसको आप उतारेंगे भी अपने आंसर शीट के अंदर ठीक है। ओके, अब आपके हाथ में प्रैक्टिकल फाइल जिसमें मिनिमम प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए, इधर भी कंप्यूटर साइंस के साथ पास हो रही, बस मार्क्स थोड़े से अलग हैं। इधर कंप्यूटर साइंस के पास थोड़े से ज़्यादा नंबर हैं प्रैक्टिकल फाइल की अगर बात करें, और इधर आपके पास 5 नंबर हैं। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है जब आप आईटी के स्टूडेंट हैं, और इधर 7 8 नंबर का आपका जो प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है जब आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं ठीक है। वाइवा इधर ज़्यादा है 5 नंबर का, और अगर सीएस की बात करें तो इधर 3 नंबर का ही आपका वाइवा ठीक है। तो वाइवा में लमसम आप मार्क्स हैं जो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है आपको 3 में से 3 मिल जाए, अगर आप नहीं बोलोगे तो ऑफकोर्स उसके पास कोई चारा नहीं होगा कि आपका 1 या 2 नंबर डिडक्ट कर देना। अब 30 में से अगर आपके 1 या 2 नंबर डिडक्ट होते हैं तो दैट मीन्स बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपको ठीक है। तो 30 में से 30 का ही आपको पूरा एकदम अपना रखना है ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरे साल मान लो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, जो कि प्रैक्टिकल होता भी है ना, आपने वाइवा वाले दिन बहुत अच्छे से चीज़ें कर दी, एक्सटर्नल आपसे खुश हो गया, आपके टीचर आएगी आपके सामने और आपको पहले से ही टिक किया होगा कि भाई इसको तो पूरे नंबर देने हैं है ना। तो यस, अब आपके टीचर कुछ और बच्चों की अप्रोच करेगी है ना, लेकिन उससे पहले आपको 30 नंबर मतलब आपके टीचर को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपके लिए ठीक है। तो आपने मतलब कहने का कि अगर आपने पूरे साल भी ढंग से चीज़ें नहीं की और आपकी बड़ी गंदी हिम्मत बन रखी है आपके टीचर के सामने, फिर भी आप अगर एक्सटर्नल के सामने बहुत अच्छा करते हैं तो एक्सटर्नल खुद आपको नंबर है जो पूरे में से पूरे होकर देगा। तो आपके पास में किसी भी तरीके से आप पक्षपात वाली बात है ही नहीं कि आपके टीचर कटवा दें, अरे ये टीचर को तो चाहिए इसके बच्चों के अच्छे नंबर हो जाए ठीक है। रिजल्ट का पता है कितना बड़ा बोझ है जो होता है टीचर के ऊपर ठीक है, ये एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट करके देना स्कूल को ओके। तो ये आपका पूरा मार्क्स का फंडा है जो रहेगा ठीक है। अब देखो, इसमें से ना आपको ओवरऑल मार्क्स भी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ठीक है, कि 30 में से इसको 29 मतलब। अब कहने का है कि भाई सीनियर से तो आपको रेकमेंड करता है कि आप इसको डिवाइड करके नंबर दो कि 5 में से इसी में से आपको नंबर डिडक्ट करने हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपको ओवरऑल मार्क्स भी है जो मिलते हैं। अब ये अलग अलग सिचुएशन पर चीज़ें डिपेंड करती हैं ठीक है, कि जैसे 30 में से अगर आपका फाइनल जब मान लो आपका प्रैक्टिकल हो गया, सब चीज़ें होंगी, जब नंबर देने की बारी आएगी ठीक है, तो उस टाइम पर 30 में से ओवरऑल भी चीज़ें देखी जाती हैं। आपके मान लो नंबर बन रहे हैं 25 क्योंकि आपने उसमें से ज़्यादा डिडक्शन कर दिया आपके टीचर ने, लेकिन हो सकता है आपके ओवरऑल में फिर वो नंबर थोड़े से ज़्यादा बढ़ा दे। ओके, तो मार्क्स का क्राइटेरिया आपको पता चल गया, आपकी चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल, वाइवा एंड आपका पेपर जो है जो होगा। तो प्रैक्टिकल में किस तरीके के क्वेश्चन है जो होंगे, तो ये मैंने एक सैम्पल डमी बनाया है, बट इसके अलावा भी मैं आपको जो है दिखा देती हूँ कि आपका पेपर किस तरीके से, यहाँ पर जैसे मैंने पेपर डमी पेपर है जो बनाया है ठीक है। सो ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, या आपके ऑफकोर्स पेपर के ऊपर है जो लिखा हुआ होगा, एंड इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके आपके पास में क्वेश्चन जो आएंगे, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि 7 नंबर का SQL, 5 नंबर का
8 नंबर का आपका पैन मार्क्स। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करके सेट ए बी जो भी आपके स्कूल वाले बनाए, ठीक है, तो ऐसे आपका एक डमी पेपर आपको बना करके दिया जाएगा। और ज़्यादातर क्या होता है कि आपके आपके वही पेपरों में से पेपर रहे जो होता है, इसको कोई स्पेशल नहीं कि आपके लिए मुश्किल क्वेश्चन, क्योंकि ऑफकोर्स टीचर तो चाहेगा कि अलग स्कूल का टीचर आपके स्कूल में आ रहा है तो आपको आसान से क्वेश्चन ही मुझे दे पाए, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं होती, ये वही पेपरों में से होता है जो आपके क्लास टेस्ट के अंदर आपका टीचर अक्सर है जो लेता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का डमी पेपर है जिसको आप परफॉर्म ऑफ कोर्स करके देख सकते हो, राइट। अब वाइवा के अंदर आपको फाइल लेकर भी जानी होती है और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के भरपूर सैंपल्स मैंने अपने इस चैनल के ऊपर डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप अगर इसका नीचे करोगे स्क्रॉल डाउन, जैसे ये भी एक प्ले लिस्ट है, ये भी है ना, तो यहाँ पर देखो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटराइज डिक्शनरी हो गया, ब्लड बैंक हो गया, है ना, तो ये प्रोजेक्ट हो गए आपके। तो आप इनमें से ऑफकोर्स है जो कहने का मतलब है कि ऑफकोर्स आप इसमें से जो है एक डमी ले सकते हो कि हाँ मतलब थोड़ी बहुत हेल्प है जो आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो यस, तो ये प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, तो आप इसको चैनल से ले लेना। प्रैक्टिकल फाइल भी मैंने आपकी डाल दी है, ठीक है, जो आपको एग्जामिनर के सामने ऑफकोर्स लेकर के जानी है। अब जैसे ही आप लेकर के गए तो देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास में ये क्वेश्चन है जो आएंगे, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है। आपके पास में कुछ भी है जो पूछा जा सकता है पूरी किताब के अंदर से कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प है जो कर देती हूँ कि अक्सर जो क्वेश्चन में से क्वेश्चन आते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट के अंदर से आपको 99% चांसेस हैं कि वो आपका प्रोजेक्ट लेंगे और प्रोजेक्ट को पलटते हुए पूछेंगे कि भाई आपका प्रोजेक्ट किस बारे में। आपने सी एस वी फाइल्स का मान लो यूज़ किया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कितनी सी एस वी फाइल्स यूज़ किए। आप एसक्यूएल का यूज़ कर रहे हो तो पूछा जाएगा कितनी टेबल्स आप यहाँ पर बना रहे हो, आपके डेटाबेस का नाम क्या है। आपने कनेक्टिविटी यूज़ की है तो आपसे लाइब्रेरीज पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी आपने इम्पोर्ट की है, कनेक्ट का क्या यूज़ है, एग्जीक्यूट का क्या यूज़ है, कर्सर किस लिए यूज़ है, जो होता है ना। तो ऐसी चीज़ें धड़ाधड़ हैं जो आपके सामने आएंगी, ये मतलब ये वो स्वाभाविक चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स आपसे पूछी जा सकती हैं। 99% चांसेस हैं आपके हाथ में प्रोजेक्ट होगा, लेकिन आस्क यू अबाउट द प्रोजेक्ट। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जाकर के देख रहे हैं अच्छा मेरे प्रोजेक्ट का नाम बैंक मैनेजमेंट है ना, नहीं, आपको पहले से प्रोजेक्ट पढ़ करके जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर लिखी हुई एक एक लाइन आपको ज़्यादा नहीं, अगर आपने खुद ने बनाया तो ऑफकोर्स ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे ठेपा भी है तो भी आपको चीज़ें पता हो, ठीक है, एक ओवरव्यू आपको पता हो, ऑब्जेक्टिव पता हो कि रियल लाइफ के अंदर जो आप चीज़ें कोडिंग के अंदर कर रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आपके प्रोजेक्ट में आपने ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जो डाली है, तो ऐसा बता करके आप ऑफकोर्स इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरीज मॉड्यूल आपने प्रोजेक्ट के अंदर कितने क्या क्या यूज़ है जो आपने किए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी बता सकते हो, ठीक है। अगर आप उसके अंदर कोई ग्राफ वगैरह डाल रहे हो तो ग्राफ को आप बता सकते हो कि मैंने इसके अंदर जैसे रेशियो बता दिया है कि सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, है ना। तो आपको जो भी आपने एक अलग से चीज़ जानने की कोशिश की आप उसको ओवरऑल के तरीके से आप जो है बताएंगे, ठीक है। सोर्स कोड के अंदर से कुछ भी, मैंने कहा ना कि आपका प्रोजेक्ट आपके सामने है, उसको खोला जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इस 6 नंबर लाइन में क्या है ये जो फंक्शन आपने यूज़ किया। तो आप जो भी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिख रहे हैं ना तो यहाँ पर होनी चाहिए, सामने वाला ऐसे चुटकी बजाते ही आप जान लेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट कहीं से चेपा हुआ है या फिर आपने खुद की क्रिएटिविटी इसके अंदर इस्तेमाल की है, ठीक है। तो आपको जो है ऑफकोर्स ऐसा है कि आपने हेल्प तो ऑफकोर्स ली होगी किसी ना किसी से, लेकिन जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप लिख रहे हैं ना वो आपको पता होना चाहिए, उसका एक ओवरव्यू, उसका एक सैम्पल आपको ज़रूर है जो पता हुआ होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड करके जाएंगे, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर क्योंकि तो आप इतने सारे प्रोग्राम्स लिख चुके होंगे तो बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी। अब देखो अगर आईटी वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आपके पास में देखो पैंडाज हैं, तो पैंडाज के अंदर से पैंडाज की ऑफकोर्स फुल फॉर्म के साथ साथ उसकी हिस्ट्री, देन आपके पास डेटा फ्रेम के साथ आपके पास सीरीज लॉक आई लॉक के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। आपके पास आपका ग्राफ है तो ग्राफ के अंदर से व्हाट इज हिस्टोग्राम, क्यों यूज होता है, डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, ठीक है। बिन्स क्या होते हैं हिस्टोग्राम के अंदर, लॉक आई लॉक किस जगह पर हम क्यों यूज़ करते हैं, एट आई एट हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें एक नया कॉलम जोड़ना है अपने डेटा फ्रेम में तो किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं,
और अगर मुझे नई रो जोड़नी है तब मैं कैसे जोड़ सकती हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप कह लो ना कि भैया एक एक उंगलियों पर पड़े हुए क्वेश्चंस हैं, ये ऑफ कोर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को जरूर है जो देख लो। मेरे हैंड रिटन नोट्स को भी अगर आप पैंडास वाले को पढ़ोगे ना तो आपका वाइवा सुपर कूल है जाएगा, क्योंकि उसमें वो सारी बेसिक चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करोगे तो आपके पास आपके फंक्शंस जिसमें ग्लोबल लोकल अंतर पूछा जा सकता है, आपके पास कितने तरीके के फंक्शन है, आप इंपोर्ट करते हो कुछ कुछ मॉड्यूल्स को तो मॉड्यूल्स क्या हैं, अगर आपने मान लीजिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी मॉड्यूल का यूज़ किया है तो इससे रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड का क्या यूज़ है, फंक्शन से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें, एंड देन स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करी जा सकती है। फिर आपके पास फाइल्स आती है तो बाइनरी फाइल से रिलेटेड, सी एस वी फाइल से रिलेटेड, इनके छोटे छोटे जैसे अगर मुझे वर्ड को जो है वर्ड मतलब मुझे निकालना है पापा तो मैं क्या यूज़ करूँगी टेक्स्ट फाइल के अंदर, है ना, रीड राइट रीड रीड लाइन रीड लाइन्स, इनके रिटर्न टाइप मुझसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अगर आप इन क्वेश्चन की तरफ जाते भी हैं ना तो एक माइंड मैप सा बनता जाता है कि ये पूछा है तो उससे रिलेटेड, ये पूछा है तो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप वन शॉट्स देख करके छोटे छोटे क्वेश्चंस की लिस्ट खुद से रेडी कर सकते हैं। आखिरकार पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि सामने एग्जामिनर के आप बैठे होंगे, आपको अपने अंदर से आंसर है जो लेकर के आने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एसक्यूएल के अंदर की। एसक्यूएल के अंदर से आपको ज़्यादा बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर उसके बेसिक्स को भी देख लेंगे ना, अगर हम दोनों क्लासेस की बात करें आईटी की भी और सीएस की भी, अपडेट, डीडीएल, डीएमएल, ऑल्टर, रीनेम, इन सब को भी, अगर डीडीएल डीएमएल की क्वेरीज को भी ना, सिद्धू को एसआईडीयू यानी कि सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ड्रॉप, और इधर हमारे पास है ना डिलीट ड्रॉप के बीच में अंतर, ऑल्टर अपडेट के बीच में अंतर, तो ये इनको भी अगर आप कर लेंगे ना, कीज़, प्राइमरी की, यूनिक कीज़, कंस्ट्रेंट, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये स्कैर वैर केयर के बीच में अंतर, देखा कैसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन अभी निकलते हुए आ रहे हैं। तो यस, ये जो पटाख से ऐसे कह सकते हो ना कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, वो क्वेश्चन आपको जो है रेडी करके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि बंदे भले आप बंदा जो भी आपके पास आएगा तो वो मेरा लेक्चर देख करके, नहीं, आपको इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और आप पता चल जाता है कि बच्चा किस क्वेश्चन में फंसेगा, है ना, या उसको किस तरीके से किस चीज़ में घेरे ताकि वो ये चीज़ मुझे ना बता पाए या बता पाए। बहुत बार आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा होता तो वो आपको खुद से बता करके जाते हैं कि भाई इसका आंसर है जो ये होगा। अब अगर जो आईपी वाले बच्चे हैं वो एक बार से ना डिफ्रेंशिएट जरूर कर लें, जैसे आप लोगों के पास स्ट्रिंग और आपके पास स्ट्रिंग के और न्यूमेरिक और डेट फंक्शंस है ना, तीन आपके पास सिंगल रो फंक्शंस हैं, ग्रुप बाय के फंक्शन हैं, तो आप लोगों को अच्छे से उनका सिंटेक्स, उनके रिटर्न टाइप जरूर है जो पढ़ करके रहना, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आपसे पूछी पूछी जा सकती हैं। अब इसके अलावा मैंने कुछ लिस्ट भी बना रखी है, कुछ 100 क्वेश्चंस के आसपास हैं, ठीक है, तो यस आप इसको यहाँ से है जो ले सकते हैं। मैं इसको एकदम पूरा नीचे दिखा देती हूँ, इसका लेक्चर मैंने एक बार डाला भी है जो होगा, ठीक है, लास्ट ईयर की बात होगी, तो लास्ट ईयर मैंने ये क्वेश्चन खुद से एकदम सोच सोच करके कि क्या क्या हो सकते हैं तो वो मैंने इसमें रखे होंगे। तो यस आप इसको पढ़ लीजिएगा एंड एक बार आप वन शॉट रिवीजन करके अपने खुद के क्वेश्चन भी जो क्रिएट करिएगा, क्योंकि कई बार आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उस वो तो नहीं पता होता, उससे रिलेटेड चीज़ पता होती है तो वो भी बताओगे तो भी है जो चल जाएगा। तुक्के तो आप मार नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि सामने वाला इतने साल के एक्सपीरियंस को लेकर के आपके सामने बैठा होगा, तो आप अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट तो बनाना मत, ठीक है, ओके। तो ये आपके सामने चीज़ें थी, मैंने आपको एक डमी सेट भी है जो बता दिया, बाकी प्रैक्टिकल फाइल मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड तो खैर क्या करोगे, आप उस लेक्चर के अंदर से आप प्रैक्टिकल फाइल और एसक्यूएल की क्वेरीज देख लेना जो आपको फाइल के अंदर शामिल करने हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पर कि आपके पास क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं आपके प्रैक्टिकल डे के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। प्रैक्टिकल के बाद में आप आकर के कमेंट में भी है जो ज़रूर बताना कि कैसा रहा आपका प्रैक्टिकल, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।